आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीवन रक्षा और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहिंद्र सिंह। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस ने भारत में अपनी पहली बलि ले ली है और इसकी गाजगिरी है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के थोट्टमवेड़ू गांव के भोले वाले बालाकृष्णा पर। हुआ यूं कि विगत शनिवार को बालाकृष्णा को पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन हुई, जिसको लेकर उनके पुत्र स्थानीय सरकारी अस्पताल गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने कुछ जांच करने के पश्चात बताया कि बालाकृष्णा को जो है पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन है और साथ ही साथ उन्होंने जो है मास्क लगाने की भी सलाह दे डाली। भोला बाला बालकृष्णा डॉक्टरों की जटिल बातों को नहीं समझ पाया और उसे लगा कि हो ना हो, अगर इन्फेक्शन है तो कोरोना वायरस ही हुआ होगा और बेहद मायूस हो गया। उनकी ये मायूसी देखकर उनके पुत्र ने उन्हें समझाया भी बहुत कि ये वैसी जानलेवा इन्फेक्शन नहीं है और ठीक हो जाएगी, परंतु कम पढ़े लिखे बालाकृष्णा को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। एक दो दिन मायूस रहने के पश्चात विगत सोमवार को बालाकृष्णा ने सुसाइड नोट लिखकर फांसी लगा ली। और दोस्तों, नोट में इन्होंने क्या लिखा कि मैं नहीं चाहता कि ऐसी जानलेवा इन्फेक्शन मेरी वजह से मेरे परिवार या गांव वालों में फैले। तो दोस्तों, यहाँ गलती किसकी है? उस सरकारी अस्पताल की, डॉक्टरों की, परिजनों की या बालाकृष्णा की? दोस्तों, बालाकृष्णा को इन्फेक्शन ने नहीं बल्कि कोरोना वायरस के भय ने परास्त किया, क्योंकि अत्यधिक नासमझी और अत्यधिक भयभीत होने की वजह से बालाकृष्णा ने अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों, यहां मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पहली बार भारत में कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में अभी तक नहीं फैला है। केवल 10-1 लोगों को ये बीमारी प्रमाणित हुई है, उनमें से भी कुछ जो रोगी हैं वो पूर्णतः रोग मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। अगर आप फिर भी कोरोना वायरस से भयभीत हैं तो इससे बचना चाहते हैं तो इससे बचाव के उपाय पे हमने एक अन्य वीडियो बनाया है जिसका नाम है कोरोना वायरस से बचाव, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बीमारी हो भी जाती है तो ये नहीं है कि कोरोना वायरस से जो संक्रमित हुई है उन सब की जान ही जाएगी। उचित इलाज के साथ में इससे बहुत सारे मरीज चाइना आदि देशों में ठीक भी हो चुके हैं, हिंदुस्तान में अभी तक कोई जान नहीं गई, बल्कि जो मरीज है उनमें से कुछ ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, आपको कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम देंगे इस घातक बीमारी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी। हम और भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें इस बीमारी की पहचान, इसके लिए होने वाली जांचें और अब तक इसमें हुई वैज्ञानिक जो खोज है उसका ब्यौरा आपको देंगे। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल जीवन रक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।